इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट। अब रिडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट क्या होता है? जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो रिच पीपल रहते हैं उनसे ज़्यादा इनकम, ज़्यादा इनकम मतलब टैक्स के थ्रू ज़्यादा टैक्स लगा के रेवेन्यू लेती है, और उस रेवेन्यू से पुअर पीपल के लिए वेलफेयर का काम करती है। उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, राइट। अब पढ़ने वाले हम रिडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट क्या होता है। तो इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, रिडिस्ट्रीब्यूशन बाय द प्राइस और द मैकेनिज्म विल नॉर्मली टिल्ट इन द फेवर ऑफ दोज हुज लेबर बाय वर्च ऑफ नेचर एबिलिटी एंड एक्वायर्ड एजुकेशन एंड स्किल्स, राइट। देखो इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन बाय द प्राइस मैकेनिज्म। अगर प्राइस मैकेनिज्म को देख के चले हम लोग, मतलब अगर मार्केट को देख के चले, तो जो लेबर बहुत ज़्यादा कैपेबल होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा स्किल्स होती है, एजुकेशन अच्छा होता है, क्वालिफाइड होते हैं, उस लेबर्स के फेवर में ही इकोनॉमिक होती है, राइट। मतलब इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उस लेबर के फेवर में होता है। क्यों? क्योंकि वो कैपेबल हैं, स्किल हैं, उनके पास एबिलिटी अच्छा अर्न करने की, राइट। तो ये होता है इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन अगर प्राइस मैकेनिज्म है तो। मतलब अगर हम लोग मार्केट से देखें तो जो लेबर ज़्यादा कैपेबल हैं उनको ज़्यादा इनकम मिलेगा, ठीक है। कॉमन एंड हाई वेजेस, राइट, कमांडेड, सॉरी कमांडेड हाई वेजेस, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, अगर स्किल उनकी अच्छी है, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, तो उनको हाई वेजेस मिलेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन सम पीपल इन द सोसाइटी who have less ability due to the low level of education and training received, the aged, those who were not able to accumulate or the inherited large property resources will have less income, and those who are physically and mentally handicapped will receive no income at all, ठीक है, और through the price system, ठीक है। देखो कहने का मतलब क्या होता है रिडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट में, अगर जो लेबर स्किल्ड है, एजुकेशन उनका अच्छा है, कैपेबल है, राइट, फिजिकली और मेंटली फिट है, उनको ज़्यादा इनकम मिलेगा, क्योंकि उनको ज़्यादा इनकम मतलब उनको ज़्यादा वेजेस मिलेंगे, क्योंकि वो अच्छा खासा अर्न करेंगे। बट जो लोग हमारे कंट्री में हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास ट्रेनिंग नहीं है, और जो हैंडीकैप है, राइट, मेंटली और फिजिकली फिट नहीं है, फिर उनको जॉब कौन देगा? उनको प्राइस मैकेनिज्म कभी भी जॉब सिस्टम कभी भी जॉब नहीं देगी, मतलब प्राइवेट कंपनीज वगैरह जॉब नहीं देंगी, ठीक है, क्योंकि वो कैपेबल नहीं है। क्योंकि जो भी जॉब वगैरह पे लेते हैं वो लोग उनकी कैपेबिलिटी देख के लेते हैं, क्वालिफिकेशन देख के लेते हैं। अगर क्वालिफाइड होंगे तभी अच्छा इनकम अर्न करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो हैंडीकैप होते हैं, फिजिकली मेंटली फिट नहीं होते हैं, उनको जॉब कौन देगा? इनकी भरपाई कौन करेगा, राइट। ये कैसे कंट्री में सर्वाइव करेंगे? तो ये कैसे सर्वाइव करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट से सर्वाइव करेंगे, राइट। और ये डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, राइट। देखो अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं हुआ तो ये जो लोग हैं, जो हैंडीकैप हैं, फिजिकली और मेंटली कैपेबल नहीं है, वो कैसे कंट्री में रहेंगे? नहीं रह पाएंगे, राइट। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कंपलसरी है कंट्री में, क्योंकि अगर गवर्नमेंट नहीं आएगी तो इन लोगों का वेलफेयर नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन एम क्या होता है? वेलफेयर प्रोवाइड करना, राइट। बट प्राइवेट कंपनीज वगैरह का मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग का होता है, राइट। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कंपलसरी है, ये सेकेंड पैरा में हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा? जो कैपेबल है उसको हाई इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कैपेबल नहीं है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है तो, राइट, अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है तो मिलेगा, तो वो इंटरवेंशन होना जरूरी है, ये हम सेकंड पैरा में पढ़ने वाले हैं। देखो दिस मॉडर्न डे गवर्नमेंट इंटरवेन इन द ऑपरेशंस ऑफ द इकोनॉमिक टू करेक्ट अनजस्ट इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम, राइट। देखा मतलब अभी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना जरूरी है, और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा तभी गवर्नमेंट ये जो अनजस्ट हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, राइट, और इनइक्वालिटी हो रही कंट्री में, उसको रिड्यूस करेगी गवर्नमेंट। और वो रिडक्शन कैसे करेगी? टैक्सेशन सिस्टम के थ्रू, राइट। टैक्सेशन ऐसा एक सिस्टम और पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी, जिसके थ्रू गवर्नमेंट इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर सकती है, ठीक है। देखो कैसे करेगी? अमंग अदर प्रोग्राम्स विच इज डिजाइन टू टेक मोर फ्रॉम द रिच लेस फ्रॉम द पुअर, ठीक है। यही करती है, डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट हो या रिडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट हो, गवर्नमेंट यही करेगी, राइट। वो क्या करेगी? रिच पीपल से ज़्यादा टैक्स लेगी, ठीक
ठीक है, और पुअर पीपल को वो मतलब उस रेवेन्यू को यूज करके बहुत सारे स्कीम्स प्रोवाइड करेगी, मतलब जॉब एम्प्लॉयमेंट जॉब प्रोवाइड करेगी, 100 डेज वेजेस प्रोवाइड करेगी, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, ओके, एंड फंड प्रोवाइड करेगी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह है, जो खुद काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, उनको पैसे देगी, मतलब उनकी स्किल लेवल बढ़ाएगी, राइट, हॉस्पिटल्स बनाएगी, स्कूल्स बनाएगी सो दैट बच्चे पढ़े, राइट. तो ये सब क्या होता है, कैसे करेगी गवर्नमेंट, रिच पीपल से हायर टैक्स लेके और पुअर पीपल के लिए वेलफेयर का काम करती है, राइट. इसे हम बोलते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट. और ये कौन करेगा, गवर्नमेंट ही करेगी, प्राइवेट कंपनीज नहीं करेगी, माई और प्राइस सिस्टम नहीं करेगी, राइट. देखो, टैक्सेशन एज अ कंसेप्ट इन्वॉल्व मोर देन द मेयर इम्पोजिशन ऑफ द कंपल्सरी पेमेंट ऑफ द सम ऑफ द मनी मनी बाय द गवर्नमेंट, ठीक है. देखो, अभी थर्ड पैरा में क्या बोला इन लोगों ने, डिफरेंट टैक्सेस कॉन्ट्रीब्यूट टू द अटेनमेंट ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव. सीधी सी बात है, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है लोगों से उसे हम बोलते हैं पब्लिक रेवेन्यू, और उसी पब्लिक रेवेन्यू को गवर्नमेंट क्या यूज कैसे यूज करती है, एज अ पब्लिक एक्सपेंडिचर, राइट. और उस पब्लिक एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं बेनिफिट, इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, बेनिफिट. देखो, दस सम टैक्सेस वुड हेल्प इन द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ मोर इक्विटेबल, ठीक है. कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, जो रिडिस्ट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट इनकम, वो इक्विटेबल करते हैं, मतलब जस्टिस होता है. हाउएवर, अ टैक्स विच ट्राइज टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटीज माइट डिस्करेज द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड देयर बाय रिटार्ड, रिटार्ड मतलब रिड्यूस करना, कम करना, कैपिटल एक्यूमुलेशन, कैपिटल एक्यूमुलेशन को भी कम करेगी, इसको ध्यान से अंडरलाइन करना, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को भी, ठीक है. देखो, अगर गवर्नमेंट इनइक्वालिटी रिड्यूस करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टैक्स रेट बढ़ाने लगी, टैक्स रेट बहुत ज़्यादा चार्ज करने लगी, तो लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे सेविंग करने के लिए, ठीक है, डिस्क्रेज हो जाएगा सेविंग. अगर सेविंग नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सेविंग इन्वेस्टमेंट सेविंग पे ही डिपेंड होता है, राइट. अगर सेविंग नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा तो कैपिटल एक्युमुलेशन भी नहीं हो पाएगा. कैपिटल एक्युमुलेशन मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट करना, राइट, और भी गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाना, मशीनरी लाना, राइट, ये सब कैसे होगा, नहीं हो पाएगा. अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स इनइक्वालिटी रिड्यूस, मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, विल ट्राइज टू रिड्यूस द इनकम इनइक्वालिटीज, अगर इनकम इनइक्वालिटी रिड्यूस करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टैक्स रेट चार्ज करने लगी तो लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे और वो सेव नहीं कर पाएंगे, सेव नहीं कर पाएंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा तो कैपिटल एक्युमुलेशन भी नहीं हो पाएगा, और अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होगा, राइट. क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे इकोनॉमिक डिपेंड है, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है कंट्री में उतना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, राइट. तो ये बोला इन लोगों ने, इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट द ज्यूडिशियस मिक्सचर्स ऑफ द टैक्सेस बी चूजन सो एज टू मिनिमाइज देयर पॉसिबल इल इफेक्ट एंड स्ट्रेंथ देयर बेनिफिशियल इफेक्ट फॉर द इकोनॉमिक, राइट. तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए जिसकी वजह से क्या हो कि गवर्नमेंट जो भी टैक्स रेट चार्ज कर रही है उसका इल इफेक्ट ना हो इकोनॉमिक पे, वो बेनिफिशियल हो इफेक्ट फॉर द इकोनॉमिक, मतलब जो भी इफेक्ट हो रहा है वो क्या हो, बेनिफिशियल हो इकोनॉमिक में, राइट. ये इसे हम बोलते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट. और यहाँ पे कुछ बोला है, इंडिया में एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, देखो, इंडिया एट प्रेजेंट इज हैविंग डिफरेंट रेट्स ऑफ द टैक्स ऑन इनकम, दैट इज 10%, 20%, 30%. देर इज ऑल्सो सजेशन टू चार्ज द सुपर रिच स्टिल हायर रेट. बिसाइड इनकम टैक्स, टैक्स इज इम्पोज ऑन द वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ टैक्स, ठीक है, वेल्थ टैक्स, द इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, राइट, ये सब चीज़ें पता है सबको. एट द डिफरेंट स्लैब्स हेल्प्स टू रेज द मनी फ्रॉम द रिच एंड द स्पेंड इट फॉर द पुअर. हाउएवर, इट इज नेसेसरी टू कीप इन माइंड द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ स्टीप रेट ऑफ द टैक्सेशन ऑन द सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन, राइट. और भी मतलब गवर्नमेंट को दिमाग में रखना पड़ेगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने चाहिए सेविंग इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन पे, राइट, जो भी टैक्स रेट वो चार्ज करेगी, मतलब स्टेप मतलब हाई, राइट. अगर हाई टैक्सेशन लगा रही है वो, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है. रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैन ऑल्सो बी अचीव बाई ऑफरिंग इंसेंटिव थ्रू टैक्स कंसेशंस ऑन द इन्वेस्टमेंट टू प्रोड्यूस सर्टन गुड्स
एंड सर्विसेज, ठीक है। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम जो इफेक्ट है उस कैसे अचीव हो सकता है, अगर गवर्नमेंट टैक्स इंसेंटिव्स देती है और टैक्स कंसेशन देती है इन्वेस्टर्स को, तो और उनके पास पैसे बचेंगे तो और वो इन्वेस्टमेंट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में, राइट। ऑल्सो टैक्स हॉलीडे एंड टैक्स रिबेट्स कैन ऑफर फॉर इन्वेस्टिंग इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स एरिया, राइट। जो बैकवर्ड्स एरिया होती है तो प्राइवेट कंपनी तो लॉस में मतलब इन्वेस्ट करेगी नहीं वहाँ पे, राइट। तो गवर्नमेंट को टैक्स हॉलीडे देना पड़ेगा, टैक्स रिबेट डिस्काउंट वगैरह देना ही पड़ेंगे टैक्स में, राइट। तो पैसे बचेंगे तो वो लोग बैकवर्ड्स एरिया में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। सच इन्वेस्टमेंट में प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट एंड द इनकम टू द पुअर, ठीक है। अगर बैकवर्ड्स एरिया में अगर इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए अगर कंपनीज इन्वेस्टमेंट करेगी, तो उससे लोगों को बहुत ज़्यादा जॉब मिलेगी, क्योंकि लेबर चाहिए रहेंगे गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो जो पुअर पीपल है उनको थोड़े इनकम मिल जाएंगे सर्वाइव करने के लिए। ब्रिंगिंग डाउन द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी क्योंकि उनके पास भी इनकम आएगा, वो भी गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करेंगे, राइट। उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। एंड टैक्स रेवेन्यू स्पेंड ऑन द वेरियस स्कीम्स मेंट फॉर द पुअर ऑल्सो सर्व टू बी रिड्यूस द इनइक्वालिटी, राइट। और जो भी स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट निकालेगी वो किस लिए सर्व करेगी, कि रिड्यूस द इनइक्वालिटी, जो पुअर पीपल है मतलब उनकी वेलफेयर करना। और वेलफेयर करने की वजह से क्या होता है, इनइक्वालिटी अपने आप रिड्यूस हो जाती है। इनइक्वालिटी रिड्यूस होने का मतलब क्या होता है, कि वो उनकी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना पुअर पीपल की, ठीक है। तो ये था रिडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट।